लगभग अर्धशतक के बाद इस तरह की स्थिति बनी है। 6,61,000 क्यूसेक वाटर छोड़ा गया, जो पहली बार बिहार में अनुभव है, लेकिन सरकार सजग है। सरकार की सजगता से वो नुकसान नहीं कर पाएगा जो अकस्मात बाढ़ आने से होता है। शासन प्रशासन पूरी नजर रखे हुए है और भारत सरकार भी बाढ़ आपदा से निपटने के लिए 11,000 करोड़ से ज्यादा जो दिया गया है, कल डीपीआर भी नेपाल के डैम के लिए बनाने का पूरी प्लानिंग चल रही है। इस बार प्रकृति की विपदा पर हम सब की एकजुटता, बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के हम इसका निदान भी करेंगे और अपने बिहारियों को सुरक्षित और संरक्षित भी रखेंगे। कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं होगा। सारे प्रशासन, कई जिलाधिकारियों से हमारी बात भी हुई है, मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी भी अभी बताए हैं कि हमारा तटबंध सुरक्षित है, नजर है, सीतामढ़ी से जो पानी आ रही है हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए सरकार पूरी सजगता से, गंभीरता से लगी हुई है, पूरी तरह से जहां जरूरत होगा हम लोग तैयार बैठे हैं कि आवश्यकता के अनुसार वहां राहत भी पहुंचाएंगे और जरूरत पड़ेगा तो वहां सहभागिता भी करेंगे। लोगों के बीच खड़ा होकर बाढ़ पीड़ितों की सेवा में कोई कोताही नहीं होगी। लेकिन ये रोहिणी आचार है, वो सवाल खड़े करे करे कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करने चाहिए बिहार सरकार को। देखिए रोहिणी जी कहाँ है, ये कभी सिंगापुर से कभी पटना से, इनके भाई कहाँ है, नेता प्रतिपक्ष कहाँ है बताएं? अरे जिम्मेवारी निभाओ, सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले लोग, राजा रानी के पेट से जन्म लेने वाले राजकुमार और राजकुमारी जी, बिहार की जनता जमीन पर देखना चाहती है, जमीन पर सेवा के भाव से काम करना चाहिए। जनता की गाढ़ी कमाई लूटे हैं, उसका कुछ अंश इसी अवसर में आप लोगों की सेवा में लगा दें, लोगों की दुआ मिलेगी। आज वो भाव नहीं है, सिर्फ ट्वीट कर करके सेवा का मनोभाव बनाना। हम तो कहते हैं, हमने पहले ही अपील किया कि सभी लोग को मिल करके आपदा में सेवा के भाव से काम करना चाहिए। ट्वीट करने से और सिर्फ बयान दे देने से प्रतिपक्ष की भूमिका होती है, सत्ता से ज्यादा विपक्ष जमीन पर खड़ा होकर के लोगों की समस्या को सरकार को अवगत कराता है, सरकार को सजग कराता है, सरकार को विवश करता है कि सरकार सेवा करे। कितने जिलों में राहत कार्य चलाई जा रही है सर सरकार के द्वारा? अभी जितने जगह बाढ़ की व्यवस्था बन रही है, फ्लडेड क्षेत्र में मैं बता दूं कि खास करके चंपारण का दोनों क्षेत्र है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, भागलपुर, ये जगह, और हमारे जिला बाढ़, मुंगेर, ये सब गंगा के बाढ़ के कारण पहले से थोड़ा प्रभावित, सब जगह सजगता से लोग लगे हैं। आरा भी हम लोग गए थे, सब जगह लोगों की नजर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आपदा से पीड़ित लोगों का खजाने पर पहला अधिकार है और उसके लिए कोई कमी नहीं रहेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी को सत्ता से हटाने तक मैं जिंदा रहूंगा। बस देश को कमजोर करने वाले आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचारी को पोषित करने वाले लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही हटाने का पहला अभियान रखे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही आतंकवाद और उग्रवाद को समाप्त लगभग कर दिया है और अब अपराध और भ्रष्टाचारी पर दबिश बढ़ गई है। इसलिए ये अंतिम छटपटाहट में है और ऐसे भी दीपक जब बुझता है तो फफकता है, ये लोग फफक रहे हैं क्योंकि बुझने की ओर चल चुके हैं। बीजेपी ने ट्वीट किया है कि स्मार्ट मीटर के जरिए गरीब लोगों का
पैसा वसूल करके और शोषण किया जा रहा है और जो एजेंसी है उनके उनको लग्जरी गाड़ी मांग भी दी गई है। देखिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं उस समय प्रतिपक्ष में था और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे, उस समय मौन क्यों थे, स्मार्ट मीटर पर बयान क्यों नहीं आता था, और स्मार्ट मीटर कोई अभिशाप नहीं वरदान है, उसमें कोई गड़बड़ी है, उसमें सुधार की जरूरत है, आप प्रमाणिकता के साथ उपलब्ध कराइए। सरकार बार बार कह रही है कि मैं उसको सुधारूंगा, लेकिन आप बरगला रहे हैं, लोगों को इधर उधर घुमा रहे हैं। आज स्मार्ट मीटर हो या सर्वे हो, ये सरकार समाधान के लिए कदम बढ़ी है कि बिजली की चोरी न हो, जमीन के नाम पर झगड़ा नहीं हो, लेकिन उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न करता है, कोई समस्या आती है, सरकार दोनों का अस्थाई समाधान करेगा। सरकार को कोई हड़बड़ी नहीं है, सरकार जनता के हित में सेवा की भाव से काम कर रहा है। आप विपक्ष की भूमिका ईमानदारी से निभाइए, बताइए कि ये सब पॉइंट पर गड़बड़ी है, प्रमाणिकता के साथ उदाहरण लाइए, सरकार समाधान के लिए सजग और खड़ा है, आपकी बात न सुने तब आप कहें, लेकिन आप प्रमाण ला न रहे हैं, सिर्फ लोगों को बरगला रहे हैं। चुनाव निकट आ रहा है तो सोच रहे हैं कि कोई मुद्दा नहीं है तो कोई मुद्दा खड़ा करके हम किसी तरह से जनता के बीच जाएं, लेकिन सरकार आपको ये अवसर नहीं देगा। स्मार्ट मीटर पर भी सरकार सजग है, सर्वे में भी सरकार सजग है, जनता का जो हित होगा उसकी पहली प्राथमिकता।